हेलो दोस्तों, शुभम की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी, वो भी ढाबे स्टाइल में, कम मसाले में बनाएंगे। और ये बन करके बहुत ही टेस्टी और लजवाब बना है। और एक नए तरीके से मैं बनाना बताऊंगी आपको ये कटहल की सब्ज़ी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कटहल की सब्ज़ी को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 1 kg कटहल लिया है, जिसका छिलका पहले से उतार लिए हैं और 3 से 4 पानी इसे अच्छे से साफ कर लिए हैं। और एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम सारे छिले हुए और कट किए हुए कटहल को इसमें डाल देंगे। और इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी, इसे हम इसी में बॉयल करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक। नमक इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब ये बॉयल हो इसके अंदर तक नमक का फ्लेवर जाए। आप इस स्टेज पे अब इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। 1 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। ग्रेवी के लिए हमने 4 प्याज, 2 टमाटर, 10 हरी मिर्च और 10 से 20 लहसुन की कलियां लिए हैं। और 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ सरसों तेल। और जो प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो हमने लिए हैं ग्रेवी के लिए, उसे हल्का भून लेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। इसे चलाते हुए भुनेंगे। और इसमें आप खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास खड़े मसाले ऑलरेडी पिसा हुआ है इसीलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। और इसमें ऐड करेंगे हम कटे हुए टमाटर और इसे ढक करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे बीच बीच में चलाते हुए। देखिए ये रेडी हो चुका है। ऐसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इसका हम ग्रेवी बनाएंगे। 1 सीटी लग चुका था कटहल में तो उसे हम निकाल लिए हैं ठंडा होने के लिए। और ग्रेवी के लिए मैंने जो मसाले बना करके रेडी किए थे उसे ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसे हम तलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने जो कढ़ाई में प्याज, टमाटर वगैरह ग्रेवी के लिए जो भुना था वही कढ़ाई वापस से ली हूँ, उसे गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और उसमें डालेंगे तेल 2 चम्मच और जो हमने कटहल कट करके पीस पीस में रखे थे उसे उसमें ऐड करेंगे। और 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर और इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसमें जो भी पानी है, मॉइस्चर है, इसमें ख़त्म हो जाएगा तलने से। तो आप तल करके ही बनाएं। अब बिल्कुल ढाबे स्टाइल में बन करके तैयार होगा, बिल्कुल कम मसाले में। तो आप लोग ज़रूर इसे बना करके ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही हमें धीरे धीरे करते हुए सारे कटहल को तल करके निकाल लेना है। फिर कटहल सारा तल चुका था तो हमने वही कढ़ाई वापस से लिया है और गरम किया है। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, उसे गर्म होने दें। और इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पात और 1 बड़े चम्मच ज़ीरा और इसे चटकाएंगे, भून लें। और इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना करके रेडी किए थे। इससे ज़्यादा बारीक हमने पेस्ट नहीं बनाया है, पतला स्मूथ, बस मोटा ही दरदरा इसको रखे हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे, मैं हींग डालना भूल गई थी तो हींग ऐड करेंगे 1 पिंच। इसे अच्छे से चला करके भून लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और चला करके भून लेंगे। मैं इसलिए पानी ऐड की हूँ ताकि अच्छे से पकेगा ग्रेवी। और इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और हमने इसमें ऐड किए हैं 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ लाल मिर्च ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं लोग,
तो इसीलिए मैं इसमें बिल्कुल लाल मिर्च ऐड नहीं की हूँ। तब भी देखिएगा कितना अच्छा कलर आएगा सब्जी का और बिल्कुल ढाबे स्टाइल बन करके रेडी होगा। और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच ये है घर का पिसा हुआ गर्म मसाला। और देखिए ग्रेवी हमारा पक चुका है, ग्रेवी से तेल देखिए छोड़ चुका है। तो हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे जो कि मैं कटहल की सब्जी तल करके रेडी की थी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी और चला करके ढक करके अभी से पकाएंगे लगभग 10 मिनट के लिए और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए कितना यम्मी टेस्टी दिख रहा है ना सब्जी। आप इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कलर के लिए, मैं नहीं इस्तेमाल की हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लोग लाल मिर्च खाना, तो इसलिए मैं नहीं ऐड की हूँ। इसे ढक करके और 5 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि कटहल है ना, तो इसलिए ताकि अंदर तक मसाले का फ्लेवर जाए इसलिए पकाएंगे। देखिए कटहल का सब्जी हमारा पक चुका है, तो इसमें ऐड करेंगे हम कटी हुई धनिया पत्ता। आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। चलिए इसे हम सर्व करते हैं एक प्लेट में। आप इसे रोटी नान या चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है चावल के साथ भी, तो इसे बना करके ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और एक बार ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ बना करके अपने यहाँ इस स्टाइल में ज़रूर से ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। इसे गार्निश कर रहे हैं धनिया का पत्ता से और देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना कटहल का सब्जी। अब बिल्कुल इसमें कोई झंझट नहीं है, बनाना इजी है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना करके ट्राई करें इस सब्जी को और इन्जॉय करें रोटी चावल या नान के साथ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर।